तो क्या हाल चाल है दोस्तों। यदि आप Redmi Note 7 Pro के यूजर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंडिया के लिए एक अपडेट रिलीज हो चुकी है जो कि है 12.0.5.0, जो कि एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। और इसके जो ये स्टेबल अपडेट है जो कि 262 MB में है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नई नई देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो यही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके इसको ये एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है, ये तो आपको पहले से पता है। उसके साथ इसमें आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल नया मिला है जो कि जनवरी 2021 का मिला है, और इसकी में आपकी सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो यदि आपके फ़ोन में पहले से जो अपडेट इंस्टॉल्ड है वो वर्जन 12.0.4.0 है, तो आप इसको ऊपर वाले अपडेट को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, यदि आपके फ़ोन में नहीं दिखाई दे रही है तो, जो कि 262 MB की है। उसी के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में ये अपडेट नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिकवरी रोम इंस्टॉल करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि 2 GB की है। इसको आप फ्लैश कर सकते हैं, फ्लैश करने के बाद आपके फ़ोन में ये वाला जो वर्जन है लेटेस्ट वाला, ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।